आप ऐसा सांसद चाहते हैं क्या? नहीं ना, तो ध्यान रखो हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, ठीक है ना, हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए, हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे, ये हमारा पहले भी कहना था, आज भी कहना है और करना है और आगे भी करेंगे। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेवान में झांक के देखें, अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। जब वो मुझसे पूछा तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, मैंने तो मुझे क्या पता भगवान जाने, तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए, आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए, मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, ठीक सवा महीने में सूतक लगता है, जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है सूतक लगता है, तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया, और ठीक सवा महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो। खुद का व्यवसाय बढ़ाया, खुद की फैक्ट्री बढ़ाई, ये आप लोग स्वयं भोगे हुए हैं, इसलिए अब फिर से ऐसे आतंकी का समापन करने के लिए, फिर से ऐसा बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक फिर से सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। उमा दीदी ने हराया था 16 वर्षों पहले, तो 16 वर्ष में ये मुंह उठाने की कोशिश नहीं कर पाया था कि राजनीति करने की कोशिश कर लेता, और अब फिर से जब होगा है तो एक दूसरी सन्यासी सामने आ गई है जो इसमें इसके कर्मों का ठीक से परिणाम है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कुछ तो ऐसा है कांग्रेस में, कुछ तो गड़बड़ी है, देश विरोधी बातें करना, देश विरोधी लोगों का उनको जी लगाना, आतंकवादियों को जी लगाना, देश विरोधी जो भी गतिविधियां होती हैं उस सब में कांग्रेस आती है। अभी भाजपा में जो लोग रहते हैं वो सब देशभक्ति की बातें करते, जैसे ही कांग्रेस में जाते हैं उनका बिल्कुल सिलेबस चेंज हो जाता है और वो देश विरोधी बातें बोलने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये सब सिद्धांतों का और संस्कारों का परिवर्तन है।